नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जब योगेश्वर दत्त ने अपोज किया था सलमान खान का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनना एट रियो ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया साइड, उस समय सलमान खान जी ने संग्राम जी को 10-12 फोन किए थे रात के समय, आस्किंग संग्राम जी टू स्पीक इन फेवर ऑफ हिम एंड टू टेल द रेसलर टू स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव अबाउट हिम। उस समय संग्राम जी ने सलमान खान को सपोर्ट किया था बिकॉज सलमान खान अपॉइंटमेंट एज गुडविल ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया एट रियो ओलंपिक्स वॉज अ गुड जेस्टर। मगर जब सलमान खान को जरूरत होती है तो वो 10-12 फोन करते हैं। और आज जब एज अ भारतीय नागरिक, एज अ अभिनेत्री, मैं चाहती हूं कि वो ट्वीट करे ऑन सीबीआई इंक्वायरी ऑन सुशांत सिंह राजपूत डेथ, देन ही रिफ्यूजेस टू टॉक अबाउट इट एंड रिफ्यूजेस टू कमेंट ऑन इट। सो जब उनका फायदा होता है तो वो 10 जगह फोन करेंगे, मगर जब उनको लगता है कि उनका फायदा नहीं है तो वो बीइंग ह्यूमन बनने का ड्रामा भी छोड़ देते हैं। नमस्ते नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ व्हेन आई इंटरैक्टेड विद एनीबडी फ्रॉम यशराज। सो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शानू शर्मा, जिसका नाम आया है इन द लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय मुंबई पुलिस, शी इज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ यशराज। जब मैं छोटी बजट फिल्मों से बड़ी बजट फिल्मों में ट्रांजिशन करने का प्रयास कर रही थी, तब शानू शर्मा ने मुझे मिलने से मना कर दिया था। जब मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया तब उसने मुझसे 5,000 रुपए चार्ज किए थे फॉर मीटिंग हर एंड शेयरिंग माय पिक्चर्स एंड पोर्टफोलियो एंड वर्क डिटेल्स विद हर। तो जब ये कास्टिंग एजेंट्स ऐसा कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो ये लोग न्यू कमर्स के साथ क्या करते होंगे। दिस इज इन रिस्पेक्ट टू द टैलेंट एजेंसी दैट इज रन बाय यशराज। नमस्ते।